आज बहुत ज्यादा मेरा मन कर गया बाहर नाश्ता खाने का, क्योंकि इतने दिनों से लॉकडाउन चल ही रहा था तो हम लोग कहीं भी नहीं जा पा रहे थे। और अभी इधर हाल फिलहाल लॉकडाउन का टाइमिंग सुबह 10 से 4 का हो गया है, तो मैं निकल पड़ी हूँ थोड़ा नाश्ता खाने के लिए, क्योंकि कोटा का नाश्ते में समोसा कचौड़ी बहुत फेमस है। अगर शॉप्स खुली मिलेंगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी समोसा कचौड़ी इधर का जो फेमस है। और अगर पोहा और जलेबी भी मिल जाता है तो वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए उसकी नज़रिया दिखाते हैं आपको अगर शॉप्स खुली मिलती है तो। और हमने जोधपुर वाले से छोटे वाले रसमलाइयां ली थी, इंद्राणी नाम है, उसको भी मैं टेस्ट करके बताऊंगी कैसा है। देखिए ऐसे छोटे छोटे होते हैं, रसमलाई का प्रिपरेशन ही है लेकिन छोटे वाले हैं, इसलिए इसका नाम उन लोगों ने इंद्राणी रखा है। देख के तो बहुत ही यमी लग रहा है गाइस, चलिए खा के बताती हूँ कैसा है। चलिए फिर मैं आप लोगों को खा के बताती हूँ कचौड़ी कैसा है। बहुत
बहुत ही अच्छा, बहुत डिलीशियस। इतने दिनों बाद, लॉकडाउन के बाद ये खा पा रही हूँ, इसलिए आई एम रियली ब्लेस्ड। बहुत टेस्टी है, आप लोग भी रतलामी की कचौड़ी खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। साथ में मैं ये भी टेस्ट करके बताती हूँ जो जोधपुर स्वीट से लिया था इंद्राणी। चलिए देखते हैं कैसा है। बहुत 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 अच्छा है, बहुत डिलीशियस है, बहुत अच्छा है, लग रहा है सारा ही खा जाओ एक साथ। बाय बाय।